हाय दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में टेक नो हाउ। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑन ऑटो से। सो देखते हैं प्रॉब्लम और करते हैं उसे सॉल्व। तो प्रॉब्लम है इंजन वर्किंग ऑन ऑटोसाइकिल। यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि इंजन जो है वो ऑटोसाइकिल पे वर्क कर रहा है और जो वॉल्यूम है एयर का या गैस का वो है 0.5 मीटर क्यूब और प्रेशर जो है उस गैस की वो है 1 बार एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है एट द बिगनिंग ऑफ द कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन से पहले हमें ये डेटा दिया हुआ है। इफ एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के बाद प्रेशर इज 10 बार, तो प्रेशर जो है कंप्रेशन के बाद हो जाता है 10 बार और ये साइकिल कौन सी है, ऑटो साइकिल है। और हमें पूछा गया है मास ऑफ एयर और साथ ही साथ पूछा गया है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, सो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए शुरुआत करते हैं। हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें V1 दिया हुआ है क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि कंप्रेशन से पहले के उसे हम नोटेशन देंगे 1 और कंप्रेशन के बाद उसको नोटेशन देंगे 2। ठीक है, सो V1 इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, और प्रेशर जो है दैट इज P1 इज इक्वल टू 1 बार और T1 यानी जो टेम्परेचर है कंप्रेशन से पहले वो है 27 डिग्री सेल्सियस और P2 यानी प्रेशर कंप्रेशन के बाद दिया हुआ है 10 बार। ठीक है, ये हमारा डेटा है और हमें पता है कि PV इज इक्वल टू MRT होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो P1 अवेलेबल है, V1 अवेलेबल है, T1 अवेलेबल है और R जो है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं। तो इससे हम M फाइंड कर सकते हैं यानी कि हम मास ऑफ एयर जो है या गैस है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने यूज किया है PV इज इक्वल टू MRT जो हमारा फॉर्मूला है और वहां पे हमने उसको रिप्लेस किया है P1 से, V1 से और T1 से क्योंकि हमारे पास कंप्रेशन से पहले का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जो यूनिट हमें दिया हुआ है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्रेशर को हमने कन्वर्ट किया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सो इसलिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ा 10^5 से और टेम्परेचर जो है वो कैल्विन में चाहिए इसलिए 27 को हमने 273 से प्लस कर दिया है तो हमें 300 कैल्विन मिल गया। ठीक है, सो उसके बाद में P2 यानी जो प्रेशर है कंप्रेशन के बाद उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया और R जो है वो हमने अज्यूम किया है दैट इज 287 जूल पर kg केल्विन। ठीक है, सो अब ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हमें मास ऑफ एयर मिल जाए। तो हमने सब वैल्यूज पुट की और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा एयर का जो कि है 0.5807 kg। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है जहां पे हमें मास ऑफ एयर फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर दिया है। अब सेकंड पार्ट जो है वहां पे कंप्रेशन के बाद का हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, सो जैसे कि हमें पता है ऑटो साइकिल में जो कंप्रेशन है वो कैसा होता है, एक्सेंट्रोपिक होता है। ठीक है, इसके अंदर हम कहते हैं इस तरह से वो दिखता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1 से 2 का जो ये है कंप्रेशन, ठीक है यहाँ पे, तो ये क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो जिसे हम कह सकते हैं PV raised to gamma इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर PV gamma इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P1 V1 raised to gamma इज इक्वल टू P2 V2 raised to gamma। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं PV raised to gamma इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 1 और
2 के बीच में हम इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा इससे लिखने से, क्योंकि यहाँ पे हमें P1 जो है वो पता है, V1 जो है वो पता है, P2 जो है वो पता है, तो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, V2 यानी वॉल्यूम कंप्रेशन के बाद, तो सभी डेटा हम पुट कर सकते हैं। अब गामा की जो वैल्यू है उसे हम अज्यूम कर सकते हैं 1.4, ठीक है, तो सभी वैल्यूज हमने डाल दी, P1 की वैल्यू डाल दी, V1 की वैल्यू डाल दी, गामा जो अज्यूम किया है वो लिख दिया है, P2 जो है वो लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने जो कन्वर्टेड जो यूनिट्स है वही यूज किए हैं। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो V2 हमें डायरेक्टली मीटर क्यूब में मिल जाएगा, हमें मिला V2 इज इक्वल टू 0.0965 मीटर क्यूब, ठीक है। सो अभी हमें वॉल्यूम मिल गया, अब हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, तो जो हमने स्टार्ट में किया था वही हम फिर से करते हैं, PV इज इक्वल टू MRT। अब हमारे पास कंप्रेशन के बाद के बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं, उसे यूज करके हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ क्या था, प्रेशर था, ठीक है, जो हमें स्टार्ट में ही दिया हुआ था कि प्रेशर जो है कंप्रेशन के वक्त या कंप्रेशन के बाद क्या रहेगा, ठीक है, सो वो प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी है, और हमारे पास टेम्परेचर जो वैल्यू है वो नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, तो हमारे पास कंप्रेशन के बाद का प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है कंप्रेशन के बाद हमने फाइंड कर लिया है, मास जो है वो हमने फाइंड किया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, और आर जो है वो हम अज्यूम करने वाले हैं 287, सो बचता क्या है, T2 जो कि है टेम्परेचर कंप्रेशन के बाद, तो सभी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, P2 की और V2 की वैल्यूज और M की वैल्यू और R की वैल्यू, तो ये सभी पुट करने के बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मिलेगी केल्विन में, तो T2 इज इक्वल टू 579.02 केल्विन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट जो कि मास ऑफ एयर है वो भी फाइंड कर लिया, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन वो भी फाइंड कर लिया, ठीक है, सो हमारे पास V2 भी आ गया है और T2 भी आ गया है, सो उसके साथ ये प्रॉब्लम खत्म होता है। ऑटो इंजन है इस तरह से दिखता है, ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑटो इंजन देखा नहीं है, तो उनके लिए ये जो फोटो है वो मैंने यहाँ पे ऑटो इंजन का लगाया हुआ है, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।